स्वागत है जी तुहाडा सब दा तुहाडे अपने चैनल पंजाब नॉलेज हब दे विच। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करो ते बैल आइकन दा बटन दबाना ना भूलो ताकि आने वालियां स्टडी रिलेटेड वीडियोस दी अपडेट तुहानू समय सिर मिलदी रहे। सो स्टूडेंट्स, अज असी करांगे करंट अफेयर्स 11 to 16 अप्रैल 2022 दे, ठीक है जी। 11 to 16 अप्रैल 2022 दे अज असी करंट अफेयर करांगे, जो कि सारे ही गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स वास्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। दोनों लैंग्वेज असी ये करांगे, ठीक है जी। दोनों लैंग्वेजा च करंट अफेयर असी लिखे हुए ने, तुसी पढ़ भी सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड पार्किंसन डे 2022? विश्व पार्किंसन दिवस 2022 दा थीम की सी? वर्ल्ड पार्किंसन डे 2022 दी थीम सी इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। सेकंड क्वेश्चन सी, विच हॉलीवुड एक्टर हैज बीन बैंड फ्रॉम अटेंडिंग ऑस्कर फॉर 10 ईयर? ठीक है जी। किस हॉलीवुड अभिनेता ते 10 सालों लई ऑस्कर विच शामिल होने ते पाबंदी लगाई गई है? ता एह ने जी विल स्मिथ। विल स्मिथ हॉलीवुड एक्टर ने जो कि बैन कर दिते गए ने ऑस्कर अवार्ड्स अटेंड करने वास्ते 10 सालों वास्ते। 10 सालों तक हुण एह ऑस्कर अवार्ड अटेंड नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन देखो जी, हु हैज बीन ऑनर्ड विद संत नामदेव नेशनल अवार्ड फॉर 2021? ठीक है जी। 2021 लई संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार नाल किस नू सम्मानित किया गया है? हु हैज ऑनर्ड विद द संत नामदेव नेशनल अवार्ड? ता सत्यपाल मलिक नू संत नामदेव नेशनल अवार्ड फॉर 2021 नाल सम्मानित किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, विच फोटोग्राफर हैज वोन दी 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड? ठीक है जी। किस फोटोग्राफर ने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जीत्या है? ता यह जीत्या जी अंबर ब्रैकन ने। अंबर ब्रैकन। पंजवा क्वेश्चन देखो जी, विच स्टेट हैज टॉप द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड वन अमंग द लार्जर स्टेट्स? केहड़े राज वड्डे राज्यां दी सूची विच नीति आयोग दे राज ऊर्जा अते जलवायु सूचकांक राउंड एक विच सब तो उपर है? ठीक है जी। केहड़ा राज इत्थे केहड़ा आऊगा जी, केहड़ा राज? तां ओह है जी गुजरात। गुजरात हैज टॉप द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड वन अमंग द लार्जर स्टेट्स। सिक्स क्वेश्चन देखो जी, हु हैज बिकम द 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर रिप्लेसिंग इमरान खान? इमरान खान की थान पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वह बने हैं जी शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। सेवंथ क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया फ्लाइट विच वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम टू पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश? भारत में बनी पहली फ्लाइट का नाम दसो जिसनों असाम के डिब्रूगढ़ तो अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक हरी झंडी दे के रवाना किया गया सी। सो फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया फ्लाइट इज होल डोरनियर DO-228। हाउ? होल डोरनियर 228 हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड डोरनियर DO-228। एट्थ क्वेश्चन, नेम द प्लेयर हु हैज बीन नेम्ड आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी मेन्स
प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2022। उस खिडारी का नाम दसो जिसनों मार्च 2022 लई आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुनिया गया है, तो वह चुनेंगे जी बाबर आजम। बाबर आजम नू चुना गया। सो दोस्तों ये जिहड़े असीं करंट अफेयर्स कर रहे ने ये बेसिकली जो अपने एसएससी सीजीएल दे एग्जाम्स हो रहे ने, ठीक है जी, एसएससी सीजीएल दे हो रहे ने, जिवें पंजाब च नैब तहसीलदार दे एग्जाम आना है, पंजाब पुलिस दे एग्जाम आने ने, ठीक है जी, अपना जो टायर 2 है पीएसपीसीएल दा वो होना है, ठीक है जी, तां उहनां सारे ही एग्जाम्स वास्ते ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ने। सो इन्हां नूं तुसीं रट लेना है जी। इन्हां वास्ते असीं करंट अफेयर्स का एक टेस्ट भी लैन लगे हाँ, जिस विच जनवरी तो लैके मार्च तक दे, जनवरी तो लैके मार्च तक दे करंट अफेयर का असीं टेस्ट लवेंगे, ठीक है जी। टेस्ट बारे जल्दी ही पोस्ट है जो वो तुहानूं टैलीग्राम ग्रुप विच मिल जाएगी। जेकर तुसीं साडे टैलीग्राम ग्रुप दे मैंबर नहीं हो तां तुसीं सिंपली वीडियो दे डिस्क्रिप्शन विच जाना है, उत्थे टैलीग्राम ग्रुप नूं ज्वाइन करन लई लिंक है जो वो दिता होया है, जां फिर तुसीं टैलीग्राम ते जाके सर्च करना है पंजाब नॉलेज हब। टैलीग्राम ते सिंपली जाके तुसीं सर्च करना है पंजाब नॉलेज हब। सो आंदे हैं एक बारी क्वेश्चन वाल दुबारे। नौवां क्वेश्चन देखो जी, नेम दी ऑथर हु वाज अवॉर्डेड विद ओ हेनरी अवार्ड 2022। ओ हेनरी अवार्ड 2022 नाल सम्मानित होने वाले लेखक का नाम दसो, ता ओह ने जी अमर मित्रा। अमर मित्रा। दसवां क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपीएससी के रिगार्डिंग है जी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी न्यू यूपीएससी चेयरमैन। नवे यूपीएससी चेयरमैन वजो किस ने नियुक्त किया गया है, तो नवे यूपीएससी चेयरमैन वजो डॉक्टर मनोज सैनी नियुक्त किया गया है। नवे यूपीएससी चेयरमैन वजो किस नियुक्त किया गया है, डॉक्टर मनोज सैनी नवे यूपीएससी चेयरमैन वजो नियुक्त किया गया है। 11वां क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2022। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स से तुसी कमेंट करके दसना है यह दिन मनाया कदों जाता है, सेलिब्रेट कदों किया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कदों मनाया जाता है, ठीक है जी, डेट दसनी है तुसी। इसका थीम की सी जी, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस इसका थीम सी, ठीक है जी, ये जरूर दसो जी तुसी कमेंट बॉक्स से कमेंट करके, डेट केड़ी है जी, कदों मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 12वां क्वेश्चन देखो जी, विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल। ठीक है जी, कौन जंगली जानवरों नू कानूनी हक देने वाला दुनिया का पहला देश बनया, वो केड़ा देश है जी जिसने जंगली जानवरों नू भी कानूनी हक दे ने, तां वो है जी इक्वाडोर। ठीक है जी, इक्वाडोर अजिहा पहला देश बन गया है जी जिसने जंगली जानवरों नू उन्हां दे कानूनी हक दिते। 13th क्वेश्चन देखो जी, हु वॉज रीसेंटली अपॉइंटेड एज दी चीफ कोआर्डिनेटर ऑफ दी G20 समिट 2023 फ्रॉम इंडिया। किसनों हाल ही विच भारत वालों G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य कोआर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। ठीक है जी, मुख्य कोआर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, तो वह किया गया जी हर्षवर्धन श्रृंगलान। हर्ष वर्धान श्रृंगलान। 14th क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड विद द टाइटल ऑफ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021। भारत के किस शहर में विश्व 2021 के ट्री सिटी के सिरलेख नाल मानता दी गई है। देन मुंबई है जी, मुंबई है जिसनों रिकॉग्नाइज्ड किया गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021। 15th क्वेश्चन देखो जी, विच आयरन ओर कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड टू अवार्ड्स इन 18th स्कॉच समिट। 80वें स्कॉच सम्मेलन विच केहड़ी आयरन ओर कंपनी नू केहड़ी आयरन ओर कंपनी नू दो पुरस्कार दिते गए हैं,
आयरन ओर कंपनी है जी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नू 80वें स्कोच सम्मेलन विच दो पुरस्कार दिते गए हैं। 16th क्वेश्चन देखो जी, नेम दी कंट्री विच विल होस्ट दी नेशनल डेल्फिक गेम्स फॉर आर्ट्स एंड कल्चर 2023। उस देश का नाम दसो जो कला अते सभ्याचार लई राष्ट्रीय डेल्फिक खेडा 2023 दी मेजबानी करेगा, तां ओह देश है जी इंडिया। ठीक है जी, भारत की है जी मेजबानी करेगा नेशनल डेल्फिक गेम्स फॉर आर्ट्स एंड कल्चर 2023 दी। 17th क्वेश्चन, विच कंट्री हैज वोन द टाइटल ऑफ FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022? किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीतया है? तो वह है जी नीदरलैंड। नीदरलैंड ने की जीतया है जी FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीतया। 18वां क्वेश्चन, विच स्टेट का MeuT गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च अवसर पोर्टल टू कनेक्ट एस्पायरिंग यूथ विद इंडस्ट्री? किस राज्य का MeuT सरकार ने हाल ही विच चाहवान नौजवानन उद्योग नाल जोड़न लई अवसर पोर्टल लॉन्च किया है? तो अवसर पोर्टल लॉन्च किया है जी जम्मू एंड कश्मीर ने। अवसर पोर्टल लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। स्टूडेंट्स, ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस ने जो कि असी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ही तुहानू करा रहे हैं, एक्सट्रा कुछ भी नहीं इस चो करा रहे, असी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ही ये इंपोर्टेंट ने। जेकर तुसी सानू किसी भी तरह का कोई भी सजेशन देना चाहते हो, ठीक है जी, कोई भी सजेशन देना चाहते हो, वो भी तुसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दस सकते हो। किसी भी टॉपिक पे वीडियो या किसी भी तरह की कोई भी इंप्रूवमेंट चैनल से तुसी जानते हो, वो भी तुसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दस सकते हो। 19वां क्वेश्चन, विच एक्ट्रेस हैज बीन अवॉर्डेड विद मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021? किस अभिनेत्री नू मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 नाल सम्मानित किया गया है? ता मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड नाल सम्मानित किया गया दिव्यंका त्रिपाठी नू। 20th क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट दी 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2026 राष्ट्रमंडल खेडां दी मेजबानी केड़ा देश करेगा? तो राष्ट्रमंडल खेडां दी मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, 2026 राष्ट्रमंडल खेडां दी मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। 21वां क्वेश्चन, किसने हाल ही विच फॉर्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीतया है? हू रिसेंटली वॉन दी फॉर्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022? तो वह जीतया जी चार्लेस लेकलर्क ने। चार्लेस लेकलर्क ने। 22nd क्वेश्चन, हू हैज बीन अवॉर्डेड विद ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2022? देखो, पहला असी किता है ICC मैनस प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है जी, ICC मैनस प्लेयर ऑफ द मंथ का क्वेश्चन किया सी असी मार्च वास्ते। हुण है ICC वुमेन्स महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसनों चुना गया? रैकल हैनेस। रैकल हैनेस। 23वां क्वेश्चन, हु बिकम फर्स्ट प्लेयर टू गेट रिटायर्ड आउट इन IPL हिस्ट्री? IPL इतिहास विच संन्यास लैण वाला पहला खिडारी कौन बनया है? तां IPL इतिहास विच संन्यास लैण वाला पहला खिडारी बनया जी रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन। 24वां क्वेश्चन, हु विल बी कन्फर्म्ड विद दी इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड 56th ज्ञानपीठ अवार्ड? भारत के सर्वोच्च साहित्यक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार नाल किस नूं सन्मानित किया जाएगा? तो नीलामणि फूकन नूं। नीलामणि फूकन नूं 56th ज्ञानपीठ अवार्ड नाल सन्मानित किया जाएगा।
पच्चीसवां क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद इनॉग्रल लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? किसनों उद्घाटनी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नाल सम्मानित किया जाएगा या किया गया है? ठीक है जी, किसनों किया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड नाल सम्मानित? तां ओ किया गया जी पीएम नरेंद्र मोदी जी। 26वां क्वेश्चन, व्हाट वुड बी दी जीडीपी फोरकास्ट ऑफ इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर 2022-23 प्रडिक्टेड बाय दी वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक द्वारा अनुमानित वित्तीय साल 2022-23 भारत का जीडीपी की होगा? तां ओ होगा जी 8.0%। 27वां क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द ऑस्ट्रेलिया मेंस क्रिकेट टीम? किसनों ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम का नवा मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया मेंस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है जी एंड्रयू एम मैकडोनल्ड। ठीक है जी, एंड्रयू मैकडोनल्ड। 28वां क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट दी स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इवेंट? केड़ा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 इवेंट की मेजबानी करेगा? तां ओह है जी इंडिया। ठीक है जी, इंडिया विल होस्ट दी स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। 29वां क्वेश्चन, मार्च 2022 के महीने लिए भारत की प्रचून महंगाई कितनी है? व्हाट इज द रियल इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022? तां ओ है जी 6.95%। 30th क्वेश्चन है जी, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कंफर्म्ड विद इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021? ठीक है जी, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 हेठ लिखियां विचों किसनू कोड 2021 लई अंतरराष्ट्री गांधी पुरस्कार नाल सम्मानित किया गया है? तो अंतरराष्ट्री गांधी पुरस्कार नाल सम्मानित किया गया है डॉक्टर भूषण कुमार, डॉक्टर भूषण कुमार। 31वां क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट ब्रेथिंग डिवाइस टू डिटेक्ट COVID-19 इन ब्रेथ सैंपल ऑथोराइज बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूएसए? साह के नमूनों विच COVID-19 का पता लगाने वाला पहला साह लेने वाला यंत्र केड़ा है जो यूएसए दे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अधिकारित है? तो वह यंत्र है जी इंस्पेक्ट IR COVID-19 ब्रेथलाइजर। ठीक है जी, इंस्पेक्ट IR COVID-19 ब्रेथलाइजर। 32 क्वेश्चन है जी, विच एयरपोर्ट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट 2021 विद 75.4 मिलियन पैसेंजर्स? केड़ा हवाई अड्डा 75.4 मिलियन यात्रियों के नाल 2021 के 10 सब तो व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में सिखर पर है? तां ओह है जी हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 33वां क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में सब तो तेज 100 छक्के मारन वाला भारतीय खिडारी कौन बनया है? हु हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर टू हिट 100 सिक्सिज इन दी हिस्ट्री ऑफ IPL? तां IPL दे इतिहास विच सब तो तेज 100 छक्के मारन वाला भारतीय खिडारी बनया जी हार्दिक पांड्या। 34th ते आखरी क्वेश्चन अज दा, वेयर वॉज द फर्स्ट खेलो इंडिया नैशनल रैंकिंग वूमेन्स आर्चरी टूरनामेंट हेल्ड? पहला खेलो इंडिया नैशनल रैंकिंग महिला तीरअंदाजी टूरनामेंट कित्थे आयोजित किया गया सी? कित्थे आयोजित किया गया सी? तां ओह किया गया जी झारखंड विखे। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि तुहानू अज दी ये वीडियो वधिया लगी होगी, वीडियो तुहाडे एग्जाम्स लई बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल होगी। सो जेकर तुसी वीडियो नू वधिया लगी है तो वीडियो नू लाइक जरूर करो। ठीक है सर, साडे चैनल पंजाब नॉलेज हब नू सबसक्राइब जरूर करो ते बैल आइकन का बटन दबाना ना भूलो,
ठीक है जी, ताकि कि आने वाली स्टडी रिलेटेड वीडियोस दी अपडेट तुहानू समय से मिलती रहे। जिवें भी असी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो तुहाडे कोल नोटिफिकेशन ता ही जाऊगा जे तुसी बैल आइकन का बटन प्रेस करके रखोगे। सो स्क्रीन ते तुसी साडे चैनल दे ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहे हो। ठीक है जी, हुण तुसी साडे नाल फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ते यूट्यूब ते जुड़ सकते हो। इन्हां सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते जुड़न लई जो लिंक ने ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਪਲੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ @PunjabKnowledgeHub। ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ 9041540772 9045740772 ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਨੌਲੇਜ ਹੱਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।